हाय फ्रेंड, ज्ञान के दीपक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं दीपक बिस आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे एक गलियारा देख रहे हैं, कॉरिडोर देख रहे हैं, तो क्या आपको पता है कॉरिडोर काहे का है? बहुत ही प्यारा सा अच्छा साफ सफाई वाला गलियारा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको पता है इसके पीछे क्या है? हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके पीछे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं। ये देखिए, इसमें स्ट्रॉबेरी भी आई हुई है दोस्तों, ये देखिए। और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा लो टर्मिनल स्ट्रॉबेरी फार्म है दोस्तों, और जिसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से प्लांटेशन किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप हमारी कड़कनाथ की मुर्गियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक मुर्गा एक मुर्गी है, ये देखिए, ये है कड़कनाथ ताज़ा हमारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे स्ट्रॉबेरी की खेती है दोस्तों, जिसमें कि हमने अभी गर्मी का टाइम है, अभी नेट लगाया हुआ है। और हम इसमें इस समय मई का महीना चल रहा है। अभी हम मई में भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती ले रहे हैं। ये देखिए, स्ट्रॉबेरी कच्ची है और ये पकी हुई है। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा साइज कम हो गया है और बाकी सब ठीक है। अभी यहाँ पे फ्लावरिंग आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का गार्डन बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस गार्डन में हमको बहुत मेहनत करनी होती है, हमको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। इसमें आप देख सकते हैं, छोटे छोटे गली बनाए हुए हैं हमने, और इसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फलन अभी चालू है, देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी काफ़ी आई हुई है अभी भी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो नए प्लांट बनते हैं, रनर प्लांट, वो भी हमारे यहाँ पे निकल चुके हैं। और हम इन रनर प्लांट को प्लांटेशन करने की तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। ये फिर से आपको हम कड़कनाथ दिखा देते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, इसलिए ये अपने ही आप में अनोखे होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने शुरू कर लिया है पॉलीबैग भरने के लिए, जिसमें कि हम स्ट्रॉबेरी की नर्सरी बना रहे हैं। हमने यहाँ पे पॉलीथीन लिया हुआ है और ये अलग अलग साइज़ का है दोस्तों। ये 3-6 है, कुछ इसमें 4-6 है, कुछ 5-7 है, अलग अलग साइज़ के पॉलीथीन लिए हुए हैं, जिसमें कि हमें ज़रूरत के हिसाब से इसको फिल करेंगे और स्ट्रॉबेरी की नर्सरी बनाएंगे। तो हमने दोस्तों ये जो पॉली बैग दिख रहे हैं आप, हम इसको उठाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रनर पौधा, और जल्दी ही यहाँ से जड़ निकल जाएगी। अभी इसमें ये दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पे जड़ निकल गई। इस जड़ को हम इसमें इस तरह से लगा देंगे दोस्तों, और इसको हम एक प्लास्टिक की वायर बनाई हुई है हमने, इसको यहाँ से उसको पिन कर देते हैं। और फिर एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जड़ें आ जाती हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के पौधे, एक पौधे से अनेक पौधे ऐसे बनते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, जो कि अब मदर प्लांट कहलाता है। अब यह रनर रिलीज करता है, ये देखिए ये रनर है। और उसके बाद पौधा, एक पौधा बन गया, फिर यहाँ से एक और पौधा बन गया दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और इस पौधे से एक और पल्ला आगे को गया हुआ है, जहाँ पर एक और पौधा बनने को जा रहा है। जब इस प्लांट को हम यहाँ पे प्लांटेशन कर देंगे, उसके बाद भी इस प्लांट से ही लगभग 10-12 पौधे आने की उम्मीद है। इस तरह से आते हैं, ये देखिए एक ही प्लांट से बहुत सारे रनर आए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो आप यही मेरे हाथ में देख सकते हैं, 5 पौधे तो यहीं पे बन गए एक प्लांट से। इस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। गर्म इलाकों पर नेट सेट का प्रयोग भी करते हैं हम, और रात को पॉलीथीन का भी यूज़ करते हैं हम। उत्तर भारत से हैं, उत्तराखंड से, यहाँ काफ़ी गर्मी और सर्दी होती है दोस्तों। इस तरह से हम अपने खेती करते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे कड़कनाथ का भी पालन किया हुआ है। इनके चूजे हम इंक्यूबेटर से निकालते हैं, इसकी वीडियो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखते हो। साथ ही हमने दोस्तों यहाँ पे एप्पल का फार्मिंग भी की हुई है, ये SRM99 है। बगल में आप लौकी की फार्म देख सकते हैं, उसमें खीरे की फार्मिंग भी है, ये टमाटर की फार्मिंग है। तो दोस्तों ये हमारा घर का छोटा मोटा गार्डन है। तो वीडियो संबंधी कोई भी सवाल सुझाव हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें,
और खासकर ये कड़कनाथ की वीडियो हमारे चैनल पर आप ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।